Salam ar My name is Dr. Rizwan Ahmed. I'm at Qatar University, Department of English Literature and Linguistics, where I teach linguistics. Linguistics is the scientific study of language. So, um, language is not only my job; it's also my passion. I make a living out of it, but I also have fun with it. आज की ये वीडियो मैं जो एफ उर्दू के लिए बना रहा हूँ इसमें मैं तलफ़ के हवाले से कुछ बातें करूँगा ख़ास तौर पर इसका ताल्लुक सिर्फ दो कस्म के अल्फा से है एक ये कि एक लफ्ज़ है नज़म उर्दू में जिसको कुछ लोग नज़म भी पढ़ते हैं या जिसका तलफ़ कुछ लोग नज़म भी करते हैं और दूसरा लफ्ज़ है ग़लत उसका तलफ़ कुछ लोग ग़लत भी करते हैं तो इसमें सही तलफ़ुज क्या है और क्या कोई ऐसा क़ायदा है जिसकी बुनियाद पे हम ये पता कर सकें मालूम कर सकें कि किन अल्फ़ाज़ में दोनों ही हर्फ आखिरी के दोनों ही हर्फ सुकून की हालत में होंगे और किन अल्फ़ाज़ में आखिरी का हर्फ सुकून पे होगा लेकिन बीच वाला हर्फ सुकून पे नहीं होगा तो इससे पहले कि हम इसको समझें हम ये समझ लें कि ये सुकून क्या है और हरकत क्या है आ, तो लेसानी अतबार से जब आप कहते हैं नज़म तो नून पे हरकत है यानी नून पे वावल है हरकत बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ वावल है उसी के लिए इस्तेमाल होता है तो नज़म में नून के बाद वाल है यानी नून मतहरक है या उस पर हरकत है आ, ज़ो जो दूसरा लफ्ज है उस पर हरकत नहीं है यानी वो सुकून है यानी उसके पास वावल नहीं है और उसी तरह से मीम पे तो जाहिर है हरकत नहीं है यानी वो भी कॉन्सोनेंट है उसके बाद वावल नहीं है यानी दो कॉन्सनेंट्स एक के बाद एक हैं इस हर इलव, इस लफ्ज़ में पहला कॉन्सोनेंट है न एन और नून दूसरा कॉन्सोनेंट है ज़बर दूसरा वावल है जबर और उसके बाद दो कॉन्सनेंट्स जो और मीम एक के बाद दिख रहे हैं एक के बाद दूसरे आए हैं लेकिन गलत में पहला हर्फ है गैन जिस पर हरकत है यानी उसके बाद वावल है और लाम जो दूसरा हर्फ है उसके बाद भी वावल है ज़बर है वो ला, लाम पे ज़बर है और उसके बाद तो है तो आप ये देखें कि गलत जो है वो नज़म से बिल्कुल मुख्तलफ है अब ये है कि नज़म सही है तो कोई इंसान ये सोच सकता है कि गलत फिर गलत क्यों है चूँकि अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो वो तो नज्म के मुताबिक मुबिक पढ़ रहा हूँ यानी दोनों जो आखिरी के दोनों हरूफ हैं उनको सुकून दे रहा हूँ तो इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली ज़बान में कोई कायदा नहीं है चूँकि ज़बान अक्सर व बेशतर समाई होता है यानी जिस तरह से हम सुनते आ रहे हैं अपने आबा अजदास उसी तरह से हम बोलते हैं और अरबी में भी एक्चुअली ये जो अल्फाज हैं उनका कोई फायदा नहीं है कि मसदर में किन अलफ़ाज में आखिर के दोनों हरूफ पे सुकून होगा और किन हरूफ में आखिर के सिर्फ़ आखिरी हर्फ पे सुकून होगा और बीच का हर्फ मुतहरक होगा जैसे अरबिका लफ्स ले लें आप आतश जो हम इस्तेमाल करते हैं प्यास के लिए उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ये अब इसको आप आतश नहीं पढ़ सकते यानी तो पे आपको हरकत देनी होगी उसके बाद वावल इस्तेमाल करना होगा उसी तरह से करम करम में भी आ, सिर्फ आखिरी हर्फ है जो जिस पे सुकून है और उसी तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं हरम उसमें भी रे पर फतः है यानी ज़बर है यानी मुतहरिक है यानी सुकून नहीं है उस पर सिर्फ़ आखिरी हरफ है मीम जिस पे सुकून है तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज़ हैं ये सिर्फ फारसी अरबी से ही नहीं आए हैं बल्कि फारसी से भी बहुत सारे अलफा इस तरह से आए हैं उर्दू में जिनमें आखिर के दो हरफ सुकून है जैसे गर्म ना उसको जब आप गर्म पढ़ते हैं यानी रे जो असल में सुकून जिस पे था उसको आपने हरकत दे दी यानी उस पर आपने एक वावल ऐड कर दिया उसी तरह से दूसरा लफ्ज है शर्म आ, कुछ लोग आप सुनेंगे कुछ लोग शर्म को शर्म भी कह कहते हैं आम बोलचाल की जिंदगी में फिर दूसरा लफ्ज़ है नर्म उसको भी बहुत सारे लोग नरम बोलते हैं आ, आ, तो ये फारसी से आए हुए अल्फाज संस्कृत से भी कुछ अल्फाज आए हैं जैसे धर्म उसको भी कुछ लोग धर्म और धर्म कहते हैं या कुछ लोग धर्म भी कहते हैं अब ये सवाल पैदा होता है कि इसमें सही क्या है तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका सही तलफ़ बिल्कुल मरूफ़ है लोग जानते हैं कि एक ही तलफ़ है जो सही है और कुछ अल्फ हैं जिसमें दोनों ही तलफ़ इस्तेमाल में आए हैं और इसकी सबसे अच्छी सबसे अच्छी मिसाल जो होती है वो शायरी से होती है क्योंकि शायरी में अगर आप एक एक वावल का इजाफा कर देंगे तो वो बहर से वो शेर गिर जाएगा तो अगर आप किसी हर्फ किसी लफ्ज़ की सही हयत क्या है उसका सही तलफ़ क्या है जानना चाहते हैं तो एक अच्छा सोर्स जो है वो शायरी हो सकता है अब एक लफ्ज मैं लेता हूं उम्र अब उसको कुछ लोग उम्र भी बोलते हैं आम बोलचाल में तो अब यहां पे मैं आपको दो अशार पढ़ूंगा जिसमें एक शायर ने उम्र को उम्र की शक्ल में इस्तेमाल किया है यानी मीम और रे दोनों पे सुकून दिया है लेकिन दूसरे शायर ने उसको उम्र की शक्ल में इस्तेमाल किया है और मीम पे हरकत दी है मीम के बाद वावल ऐड किया है उमर आ, अब ये पहला पहली मिसाल ये है जिसमें वावल नहीं ऐड किया गया है उम्र गुजरी है बदगुमानी में उम्र गुजरी है बदगुमानी पर मैं यकीन कर गया कहानी पर तो यहां पे उम्र इस्तेमाल हुआ है अगर आप उसको उम्र पढ़ेंगे तो ये शेर वजन से गिर जाएगा चूंकि जो शेर है उसका वजन जो है ना बहुत ही सेंसिटिव होता है कॉन्सनस एंड वावल को लेकर तो एक वावल के इजाफ़त से एक वावल की ज़्यादती से पूरा शेर वज़न से खारिज हो जाए उसी तरह से अब दूस, दूसरे शायर ने क्या किया है कि उसी लफ्ज़ उम्र को उम्र यानी एक वावल के इजाफे के साथ इस्तेमाल किया है ये शेर है नफाक बाहमी है जो अभी तक नफाक़ बाहमी है जो अभी तक खड़ा है रास्ता रोके उमर का उमर उनका तखलस भी है तो और यहाँ पे उन्होंने जो तलफ़ बांधा है वो उमर है यानी मीम पे ज़बर के साथ उसी तरह से जो हिंदी और संस्कृत का जो लफ्ज़ है धर्म शायरों ने उसको इस लफ्स को दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया है अब, 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 अब पहली मिसाल मैं दे रहा हूँ जिसमें दोनों ही हरफ रे और मीम सुकून की हालत में है यानी उनके बीच वावल नहीं है मोहब्बत धर्म है हम शायरों का दिल पुजारी है मोहब्बत धर्म है हम शायरों का दिल पुजारी है अभी फ़िरका परस्तों पर हमारी नस्ल भारी है तो यहाँ पे धर्म को उन्होंने इस्तेमाल किया है आ, धर्म रे और मीम दोनों आ, सुकून दोनों पे सुकून है और आ, इनके बीच वा, वावल नहीं है यानी यहाँ पे अगर आप धर्म पढ़ेंगे तो ये शेर खारिज वज़न हो जाएगा लेकिन दूसरे शायर ने इसी लफ्ज़ को आ, दूसरी तरह से बांधा है जिसमें रे पे उन्होंने ज़बर दिया है जैसे लेकिन हरम में शेख लेकर हरम में शेख गया दीन की किताब लेकर हरम में शेख गया दीन की किताब पंडित को बुध कदे में धर्म की तलाश है अगर यहाँ पे आप धर्म कहेंगे तो ये शेर आ, वजन से गिर जाएगा तो इन मिसालों से ये साबित हुआ कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनमें दोनों की इजाज़त है यानी आप धर्म भी पढ़ सकते हैं धर्म भी पढ़ सकते हैं उम्र भी पढ़ सकते हैं और उम्र भी पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिन पर तकरीबन इतफाक़ राय है कि उन उनको आप मुख्तलिफंग से नहीं पढ़ सकते जैसे नजम है मैंने शायरी में नजम को नजम बांधते हुए किसी शायर को नहीं देखा है यानी आप जितनी भी आप रेख्ता पे जाके ढूंढ भी सकते हैं नज़म लफ्ज ढूंढिए और पढ़ के देखिए अगर आप उसको नजम पढ़ेंगे तो वो शेर वज़न से गिर जाएगा उसी तरह जैसे कर्ज है कर्ज को आप कर्ज़ नहीं पढ़ सकते किसी को मैंने नहीं देखा तो यहाँ पे इजाज़त नहीं है उसी तरह से गर्ज है तो गरज को गर्ज़ नहीं पढ़ सकते आप किसी उर्दू बोलने वाले से मैंने ये आज तक नहीं सुना है और ना ही किसी जगह ये इस शक्ल में लफ्ज़ को पढ़ा है तो इससे ये वाज हो गया कि अल्फाज कुछ ऐसे हैं उर्दू में जो फ़ारसी और अरबी से आए हैं जिनमें आखिर के दोनों हर्फ सुकून हैं उन पर जैसे जैसे फ़िक्र हुआ जैसे नज़्म। और कुछ ऐसे अलफा हैं जिन पर सिर्फ आखिरी पे सुकून है और बीच वाले हर्फ पे हरकत है तो जैसे गरज़ या करम या ग़लत तो ग़लत को अगर आप गलत की लाम से अगर हरकत हटा देते हैं और उसको ग़लत पढ़ते हैं तो यकीन गलत हो जाएगा और नज़म में जो दूसरा हरफ है जिस पे सुकून है यानी वावल नहीं है उस पे अगर आप वावल का इजाफा कर देते हैं तो वो ग़लत हो जाएगा तो नज़म कहना ग़लत हो जाएगा बस इसी के साथ आप लोगों से रुखसत होता हूँ इन किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी खुदाफिज